अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजर होम इंडस्ट्रियल ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो मेजर होम इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले पॉइंट है कॉरपोरेट एंड ड्रग्स, यानी पाकिस्तान में जो कालीन साजी है वो बहुत मशहूर है। कालीन साजी का हाथ का काम करना, पाकिस्तान में बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के जो है वो कालीन तैयार होते हैं। दुनिया में अगर देखा जाए तो हाथ के में काम करने से वाले कालीन में ईरान के बाद पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, तो पाकिस्तान के बनाए हुए जो कालीन हैं वो पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। तो ये हमारी क्या है, सबसे पहली जो है वो अहम घरेलू सनत है। उसके बाद अगर दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो उसके बाद है लूम्स इंडस्ट्री। अब लूम इंडस्ट्री जो है खदड़ों की जो इंडस्ट्री है, खदड़, ठीक है, तो इसका जो मेन मरकज़ है वो हमारे पास फैसलाबाद है, उसके बाद हैदराबाद है और लाहौर है। तो वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इसका जो है वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ये बड़े पैमाने पर तैयार होती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा वुडन वर्क, यानी लकड़ियों से चीज़ें बनाना। तो अगर लकड़ियों से चीज़ें बनाने की हम बात करें तो पाकिस्तान में जो है लकड़ी जो है वो वाफर मकदार में मौजूद है। ठीक है, तो उससे हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं, बेड बनाते हैं, अलमारियां बनाते हैं, सोफ़े बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी किस में आती है, इसमें अहम इंडस्ट्री में आती है। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है पोटरी इंडस्ट्री। पोटरी इंडस्ट्री से मैं क्या मुराद है, यानी जो हमारे ज़रूफ़ यानी बर्तनों वगैरह की इंडस्ट्री है, इसको हम कहते हैं पोटरी इंडस्ट्री। ठीक है, बर्तनों में क्या है जो आमतौर पर पाकिस्तान में पहले शुरू के ज़माने में ये काम जब स्टार्ट हुआ तो बर्तन जो है वो बर्तनों से जो मिट्टी के बर्तन हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ, इससे जो है पीतल के वो बनने शुरू हुए बर्तन, फिर चीनी के बर्तन बनने शुरू हुए, फिर शीशे के बर्तन बनने शुरू हुए। ठीक है, तो अब हर तरह के, अब तो प्लास्टिक के भी बर्तन बनाए जाते हैं। उसके बाद है मेटल वर्क। मेटल वर्क से क्या मुराद है, यानी धात साजी की सनत, यानी धात साजी की सनत भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास लोहार वगैरह होते हैं वो हाथ से लोहे की चीज़ें बना रहे होते हैं, मेटल की चीज़ें बना रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के घास काटने की चीज़ें बना रहे होते हैं, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह हो गई और दूसरे जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गए, तो ये भी हमारी एक घरेलू सनत में आती है। उसके बाद है एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री, यानी एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री से क्या मुराद है कि जो कशीताकारी है, यानी हाथ से सीना भरना, भराई करना। तो पाकिस्तान में जो है हाथ से बर्थ वगैरह के जो काम है इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बारीक शीशों पे काम किया जाता है। तो ये सनत भी पाकिस्तान की क्या है, एक अहम सनत में इस जो है वो शुमार होती है। और किसी भी कपड़े पे, चादर पे या तकिए वगैरह पर हाथ से किया हुआ काम, बारीक शीशे लगाना, फूल बनाना, तो ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और इस काम की भी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। उसके बाद अगला जो है हमारा टॉपिक है वो है वुलन वर्क्स। वुलन वर्क्स की अगर हम मिसाल दें तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है फैसलाबाद में जो है ये काम बहुत बड़ी मकदार में होता है। उसके अलावा हैदराबाद में होता है, सखर में होता है, ठीक है, और अजरक साजी वगैरह देखें तो ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसके बाद आठवां पॉइंट है बेंगल इंडस्ट्री, यानी चूड़ी साजी की सनत। अगर चूड़ी साजी की सनत की हम मिसाल दें तो हैदराबाद जो है हमारा वो क्या है, वो मरकज़ है। हैदराबाद की बनाई हुई चूड़ियाँ पूरे मुल्क में पसंद की जाती हैं, अहम अहम जो डिज़ाइन हैं वो पसंद किए जाते हैं और पूरे मुल्क में जो है हैदराबाद की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं और एक दूसरे को तहफ़ वगैरह में भी हैदराबाद की चूड़ियाँ जो है वो पेश की जाती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास जो है वो लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री क्या होती है, जो चमड़ा सादी की जो इंडस्ट्री है वो, यानी जो जानवरों वगैरह की खाल से चमड़ा वगैरह हमें मिलता है उससे बहुत जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे बहुत चप्पल बनाए जाते हैं, पर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो है वो बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो है ऑर्नामेंट्स इंडस्ट्री, यानी ज्वेलरी वगैरह जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो बनाई जाती है, तो इसका काम भी पाकिस्तान में जो है वो बड़े पैमाने पे
किया जाता है। लेकिन अगर हम मिसाल दें इसकी घरेलू सनत में, तो दुनिया में सबसे पहले जो घरेलू सनत में सबसे ज़्यादा तरक्की की वो जापान ने की। आज जापान जिस बुलंदी पर खड़ा है तो वो सिर्फ घरेलू सनत की वजह से खड़ा है। और घरेलू सनत में काम करने के लिए आपको जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में सरमाया नहीं चाहिए, बस आपको कुछ बुनियादी ट्रेनिंग चाहिए। आप घर का कोई एक हिस्सा जो है इसके लिए मुख्तस कर सकते हैं, फिर उसको यूज़ में लेके आ सकते हैं, और फिर इसी तरह से आप घरेलू सनत को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।